बोलो सप्ताह है त्योहार काशी अवकाश वर्षित करें, आशा कर्मियों को पात्र अवकाश की गारंटी करें, आशा कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। आशा कर्मी राज आशाओं को राजकर्मी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। छह माह का वेतन बकाया देना होगा, देना होगा, देना होगा। आशा वर्कर अरे सामने देख लीजिए, फिर अपना करते नहीं है। अरे सामने देख लीजिए, इधर इधर देखिए। अरे मैम अपना परिचय दे दिए पहले। मेरा नाम कमला गौतम है। ये आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है किस चीज़ को लेके किया जा रहा है? ये हमारी आशा बहनों के जो मांगे हैं, ये 1300 मांगे हैं, उनको लेकर हम आज ये निकले हैं। ये 1300 मांगों में क्या क्या मांगे हैं आप लोगों ने? मांगे हैं दूसरे हमारी आशाओं को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, और दूसरे जो 45-46 श्रम है को जो न्यूनतम वेतन लागू हुआ वो लागू किया जाए, श्रम के सम्मेलन में जो न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। और हमारी जो आशा बहनें हैं इनको जितने मातृत्व अवकाश यानी महीने में 4 छुट्टी सभी को मिलती है, लेकिन इनको कोई छुट्टी नहीं मिलती है। इनको मातृत्व अवकाश दिया जाए, महीने के 4 छुट्टी 2 बनती हैं, और इनका जो वाउचर के नाम पे जो वसूली होती है, जो चक्कर लगवाए जाते हैं, तो इन सबको बंद करके सीधा इनके खातों में पैसा दिया जाए। और जो हमारे आशाओं का जो शोषण होता है, चाहे अधीक्षक के नाम पर, कभी एनएम के नाम पे, कभी डॉक्टरों के नाम पे, कभी डीसी के नाम पे, तो उस जगह पे इस जिले में, हर जिले में, इस जिले में एक जेंडर सेल तय कर दिया जाए, ताकि हमारी आशा बहनें भी शिकायत उससे कर सकें। लगातार इतने दिन से आप लोगों का धरना चल रहा है, आज तक क्या आश्वासन मिला आपको और किन अधिकारियों से मुलाकात की? बिजेंद्र पाठक जी से मुलाकात हो चुकी है, हम ज्ञापन वहाँ दे चुके हैं एक बार, लेकिन सिर्फ वो आश्वासन ही दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ इनको पैसा। अगर अभी आपके आगे कार्रवाई नहीं होती, आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे अभी देखते हैं, हम इस आंदोलन को तेज करेंगे, और हम आगे अभी कोई प्लान तय नहीं किया, लेकिन हाँ ये हो सकता है समय में एनएचएम को घेरने की तैयारी। जैसा कि आपने कहा कि आपसे वसूली होती है, रसीद के नाम पे पैसा मांगा जाता है, तो किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कौन लोग होते हैं ये जो पैसा मांगते हैं? अब ये वहाँ पे जैसे DCPM है या कभी उन्हीं के द्वारा होता है, छोटे लेवल से जैसे DC में हमारा जब ब्लाउज से बाउचर भरेंगे, लेकिन आपके कभी 100, कभी 200, कभी 300 रुपया इस तरह लिया जाता है।